हाय एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो है हमारी ऑन विंटर्स मेकअप लुक। आई हैड दिस आइडिया ऑफ विंटर्स मेकअप अपने माइंड में एंड आई वांटेड टू शेयर विद यू ऑल, सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। बट बिफोर यू वॉच माय वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड लेट्स स्टार्ट। अच्छा, तो आई बिलीव के विंटर्स में इट्स ऑल अबाउट ड्यूई स्किन, ठीक है, और बिल्कुल भी ड्राई ना हो, बहुत ही अच्छी ग्लॉसी सी स्किन आ रही हो। सो फॉर दैट सबसे पहले आई विल बी यूजिंग दिस अफोर्डेबल पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम, जो कि विंटर्स के लिहाज से बहुत ही अच्छी है। आई रिसेंटली स्टार्टेड टू यूज़ दिस क्रीम ऑन रिकमेंडेशन ऑफ माई मॉम एंड बिलीव मी आई एम इन लव। मतलब मैंने इसके बाद यू डोंट इवन नीड टू यूज़ एनी सीरम या फिर कोई, यू डोंट नीड एनी एक्सपेंसिव मॉइस्चराइजर अगर आप लोगों के पास ये पॉन्ड है। एंड दिस इज़ 800 रुपीज़, ठीक है, ये वाली एक छोटी सी जो इनकी कितने ml की आई डोंट नो, तो खैर एनीवेज, बट दिस इज़ लाइक वेरी गुड। ये ग्लो आता है, इतना अच्छा आता है, इतने अच्छे से स्किन मॉइस्चराइज हो जाती है। सो दिस इज़ हाईली रिकमेंडेड। सो बेसिकली लेट्स टॉक अबाउट कोल्ड क्रीम्स। जिनको कोल्ड क्रीम्स का नहीं पता मैं बता दूँ, ये थोड़ी सी जो विंटर सीजन्स होते हैं ना उसी में यूज़ किए जाते हैं। कैन यू सी कितनी ग्लॉसी डूई सी फिनिश आ रही है इसको यूज़ करने के बाद। सो इफ़ यू हैव प्रॉब्लम ऑफ ड्राई फ्लेकी स्किन, ठीक है, इचीनेस है, तब आप लोग कोल्ड क्रीम्स यूज़ कर सकते हो। पॉन्ड्स इज़ अ वेरी वेरी गुड ब्रांड, बहुत पुराना ब्रांड है, एवरीबडी यूजेज इट, सबकी माएँ यूज़ करती होंगी, आई एम प्रीटी श्योर। तो गिव इट ए ट्राई, वेरी अफोर्डेबल और a very great moisturizer for skin prep before our winter makeup. Sunscreen is another must. गर्मी हो सर्दी हो, no matter what we need sunscreen, ठीक है, to protect our skin. तो मैं यूज़ कर रही हूँ Clean Beauty की skin sunscreen, जिसके अंदर हमारे पास थोड़ा सा skin tint भी है। तो let me just show you. I am using these two concealers जो कि हमारे मिसरोज के हैं। साथ में मेरे पास ये एक ब्रश है which is foundation brush by Beautify by Aamna, एक शेड this is beige 4 और साथ में हमारे पास है शेड फेयर। शेड्स मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अक्सर आई फॉरगेट टू एड शेड्स इन डिस्क्रिप्शन एंड देन आई गेट लॉट्स ऑफ कॉमेंट्स कि मैं नहीं बताती। तो I am using dewy blush. ये जो ग्लो आ रही है ना बहुत ही अच्छी लग रही है। वाओ, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ पॉन्ड्स क्रीम। अच्छा, अब मैं जो हूँ मैं यूज़ कर रही हूँ माई मोस्ट यूज ब्लश, जो कि है हमारा हर्बलाइट का इन शेड पिंकलिशियस। आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस ब्लश, ठीक है, मैं ये थोड़ा सा लगाऊंगी और मैं ये इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि इसकी ड्यूई फिनिश है एंड वी नीड दैट ब्यूटीफुल ड्यूई लुक विंटर्स के लिहाज से, ठीक है। ड्यूई स्किन, ड्यूई मेकअप, इट विल लुक वेरी ब्यूटीफुल। क्योंकि विंटर्स हैं एंड इवन इफ वी गो विद अ लिटिल बिट ऑफ मोर ब्लश, थोड़ा सा ज़्यादा वो पिंक पिंक सा लग रहा है, इट विल लुक वेरी प्रिटी, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लगाया। आई विल सेट माई ब्राउज एंड आई विल बी बैक। टुडे आई वोंट बी गोइंग विद एनी मैट लिपस्टिक, आई विल बी गोइंग विद सैटिन वेलवेटी फिनिश वाली लिपस्टिक। थोड़ी सी इसकी ग्लॉस है, ठीक है, तो लेट्स क्विकली अप्लाई इट क्योंकि वी नीड दैट ड्यूई विंटर लुक। सो फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस मेबेलिन की लिपस्टिक इन शेड लिपी। वेरी ब्यूटीफुल, थोड़ा सा डार्क है but it is very beautiful. ये अभी you guys will get to know. So this is the shade Lippy. ठीक है, I don't know, I am recently obsessed with this lipstick. I am using this highlighter जो कि है हमारा CVB का. ठीक है, this is a contour highlighter, मतलब 2 in 1 है, 2 in 1 contour and this is the highlighter. मैं इसका highlighter use कर रही हूँ क्योंकि this is very beautiful. और again हम लोगों ने natural dewy glowy, पता नहीं मैंने क्या नाम रखा हुआ है, but that is what we are going for. Lastly, I will be adding this mascara by Maybelline, which I will not recommend. बेशक this is an affordable mascara, but ये जो है ना, थोड़ा सा भी अगर पानी लग जाए ना तो ये यहाँ पे आपकी black black हो जाता है, यहाँ से आपकी eyes नीचे, इसका fall off है. ठीक है, I hope that is what we call fall off ही कहते होंगे. But मुझे ये mascara इतना पसंद नहीं आया. इसकी जगह I will recommend Maybelline का Sky High. That was very good. वो तो हिलता ही नहीं था और ब्लैकनेस नहीं होती थी यहाँ पे, ग्रे, मतलब अगर ये नीचे इसका फॉल ऑफ हो जाए ना तो मेकअप यहाँ से ब्लैक ब्लैक लगने लग जाता है, विच डजंट लुक गुड एट ऑल. तो इफ़ यू आर गोइंग ऑन एन इवेंट, कोई शादी वगैरह, तो दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड. एनीवेज, अगर किसी ने ख़रीदना है तो वो ख़रीद सकते हैं. इसका वॉल्यूम, मतलब इट्स लाइक वेरी प्रिटी, लेकिन फिर यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल के पानी ना लगे, आंखें ना मली जाएं, तो उस केस में आप लोग ये मस्कारा यूज़ कर सकते हो. इट इज़ आई थिंक अराउंड 800 रुपीज़. तो आप लोग ट्राई कर लो. इफ़ यू डू लाइक इट तो यू कैन ऑलवेज हैव दिस इन योर मेकअप कलेक्शन. सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो. मैं थोड़ा सा पीछे होती हूँ ताकि सनलाइट के बगैर भी मेरा मेकअप नज़र आ रहा हो. सो दिस इज़ हाउ दिस मेकअप लुक्स. कैन यू सी द ब्यूटिफुल ग्लो जो कि ये हाईलाइटर देता है. ठीक है, CVB के ऑनलाइन इनका पेज है, आप लोग वहाँ से जाके ये वाला हाईलाइटर परचेज़ कर सकते हो. अगर ये वाला हाईलाइटर नहीं लेना, नॉर्मल पाउडर हाईलाइटर से भी ये लुक आ जाती है. यू डोंट नीड टू बाय ईच एंड एवरी प्रोडक्ट टू अचीव दिस लुक. ठीक है, यहाँ पे हम वीडियो को एंड करते हैं. आई होप यू गाइज डिड लाइक दिस वीडियो और आप लोग ये वाला मेकअप ज़रूर ट्राई करोगे. और दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो. सो अपना ख्याल रखना.